हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेशली राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में। और राइट एंटाइटलमेंट्स में भी सिर्फ हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्हें कि राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहला सवाल आता है कि राइट एंटाइटलमेंट आखिर है क्या। तो राइट एंटाइटलमेंट स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। जिस भी शेयर का राइट इशू आया होता है उसके शेयर होल्डर जो कि उस शेयर को राइट इशू की रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हैं तब उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट अलॉट कर दिए जाते हैं। तो यही राइट एंटाइटलमेंट होते हैं। ये डिफरेंट आईएसआईएन नंबर के साथ यहाँ पर लिस्ट भी होते हैं। तो ये अभी हो गया आपका जो राइट एंटाइटलमेंट आपको अलॉट होते हैं। अब स्पेशली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हो गए हैं। अब वो इस राइट एंटाइटलमेंट के साथ क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन उनके पास आता है अप्लाई इन फुल, यानी कि जितना भी राइट एंटाइटलमेंट आपको अलॉट हुआ है, सपोज 10 राइट एंटाइटलमेंट आपको अलॉट हुए हैं, तो आप 10 के 10 राइट एंटाइटलमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी राइट इशू का प्राइस है उस प्राइस को पे करके आप जो है जब अप्लाई करेंगे तो पे करके आप अपने पूरे राइट एंटाइटलमेंट, यानी कि अगर आपको 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है दूसरा ऑप्शन, क्या कर सकते हैं कि अगर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव राइट इशू लग रहा है तो आपके पास जितना अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि 10 राइट एंटाइटलमेंट का अलॉटमेंट हुआ है, साथ में आप एडिशनल राइट एंटाइटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सपोज किसी इन्वेस्टर्स को 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं और वो 15 राइट इशू शेयर्स के लिए जो है अप्लाई करना चाहता है तो वो 15 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर देगा। तो 10 तो उसको क्योंकि अलॉटमेंट हुआ था राइट एंटाइटलमेंट्स का तो 10 तो अलॉट हो जाएंगे, बट 5 जो एक्स्ट्रा एडिशनल किए हैं वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन से कुछ बचेगा तो वो 5 भी उसको अलॉट हो जाएंगे। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप जो है जितने फुली हैं आपके जो राइट एंटाइटलमेंट वो तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ आप जो है एडिशनल राइट इशू के लिए भी, राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है पार्सली अप्लाई, यानी कि सपोज अगर आपको 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं तो आप 5 के लिए अप्लाई करेंगे और बाकी बचे 5 को आप छोड़ देंगे ऐसे ही अनसब्सक्राइब, यानी कि आप उन्हें रिनाउंस नहीं करेंगे। तो पार्सली अप्लाइड विदाउट रिनन्सिएशन, जी हाँ। तो अगर आपके आपको लगता है कि यार मुझे 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं बट मैं सिर्फ 5 के लिए ही करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और पार्सली जितने के भी आप लिए करना चाहते हैं तो आप उतने के लिए अप्लाई करेंगे और बाकी के जो राइट एंटाइटलमेंट हैं उन्हें अनसब्सक्राइब छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कि आप पार्सली अप्लाइड करते हैं, यानी कि 10 में से आपने सोचा कि मैं पार्सली जो है अप्लाई करूंगा और बाकी के जो बचे हुए हैं, यानी कि 10 में से आपने सोचा कि मैं 5 के लिए अप्लाई करूंगा और जो रिमेनिंग 5 राइट एंटाइटलमेंट बचे हैं उनको रिनाउंस कर दूंगा। तो रिनाउंस यानी कि जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है जब राइट एंटाइटलमेंट्स की इशू ओपन डेट के साथ ही, तब आप उन्हें सेल कर देंगे। तो 5 आप अप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी जितने भी पार्सली राइट एंटाइटलमेंट आपको जो टोटल अलॉट हुए हैं उसमें से जितना आप करना चाहते हैं अप्लाई उतना कर देंगे और बाकी बचे हुए को आप सेल कर देंगे या रिनाउंस कर देंगे। ये ऑप्शन आप कर सकते हैं जो है शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिनाउंस इन फुल, यानी कि जितना भी राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुआ है, सपोज 10 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, तो पूरे के पूरे आप जो है उन्हें रिनाउंस कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं जैसे ही ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन या राइट एंटरटेनमेंट की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो इतने ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अब बात आती है कि क्या होगा अगर आपने ना ही उन्हें अप्लाई किया और ना ही रिनाउंस किया, टोटली इग्नोर कर दिया राइट एंटाइटलमेंट्स को। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि राइट एंटाइटलमेंट जो होते हैं वो टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं। तो अगर आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, ना तो आप उन्हें अप्लाई कर रहे हैं ना ही आप उन्हें जो है रिनाउंस कर रहे हैं, तब आपके जो है राइट एंटाइटलमेंट इशू क्लोजिंग, यानी कि जो भी क्लोजिंग डेट होगी उसके बाद लैप्स हो जाएंगे और आपके अकाउंट से भी चले जाएंगे वो। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि ये टेम्परेरी लिस्टिंग होती है, आप इन्हें लंबे समय के नॉर्मल शेयर समझ के ना रखिएगा। अब एक और सवाल आता है कि उसी राइट इशू में क्या ऐसे शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास
अभी तक उस शेयर की एग्जिस्टिंग होल्डर नहीं है, तो क्या ऐसे भी जो इन्वेस्टर हैं वो क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उस राइट इशू में? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने पड़ेंगे। और राइट एंटाइटलमेंट कहाँ से वो परचेस कर सकते हैं? या तो फिजिकली, अगर कोई रिनाउंस कर रहा है तो फिजिकली रिनाउंसिएशन के जरिए, या फिर जैसे ही ऑन मार्केट की ट्रेडिंग की जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वहां से आप जो है ऑन मार्केट राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर सकते हैं और फिर जो है अप्लाई कर सकते हैं राइट शेयर्स के लिए। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन के जरिए जो आप राइट एंटाइटलमेंट बाय करते हैं, तब वो जो अमाउंट होता है वो प्रीमियम अमाउंट होता है जो कि आप राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय करने के लिए लेते हैं। उसके बाद भी आपको जो है, जब आप अप्लाई करेंगे राइट इशू के लिए, तो जो राइट इशू का एप्लीकेशन अमाउंट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, ये अमाउंट उसमें से माइनस नहीं होगा। तो जो आप प्रीमियम दे रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए, वो प्लस आपका जो है राइट इशू का प्राइस, उन दोनों की कॉस्ट जो है आपको जोड़नी पड़ेगी, इतनी टोटल कॉस्ट आपको हो जाएगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन के जरिए राइट एंटाइटलमेंट खरीदते हैं और फिर अप्लाई करते। अब नेक्स्ट आता है कि क्या हो अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन से परचेज तो कर लिए बट आपने अप्लाई नहीं किया। इस कंडीशन में भी वही होगा जो इग्नोर करने की कंडीशन में हुआ था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के। तो अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेज कर लिए और आपने उन्हें अप्लाई नहीं किया, तो जैसे ही इशू क्लोज होगा तो ये आपका जो है राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और अकाउंट से गायब हो जाएंगे। और साथ साथ आपने जो प्रीमियम दिया है वो राइट एंटाइटलमेंट परचेस करने के लिए, वो भी आपका जो है लैप्स हो जाएगा, या कहें कि आपको उतना नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेस कर लिए हैं तो उन्हें अप्लाई करें जिससे कि आपको जो है राइट शेयर्स अलॉट हो सकें। एक बार आपने राइट एंटाइटलमेंट्स के जरिए राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद राइट शेयर्स आपको अलॉट हो गए, फिर उन शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जब तक चाहें तब तक रख सकते। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बातें जो कि राइट एंटाइटलमेंट्स के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स आ रहे थे राइट एंटाइटलमेंट्स के रिलेटेड, और तो मैंने सोचा कि स्पेशली जो राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में आप बता दूं, खासकर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें जब राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। और ये भी बताया कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है और फिर भी अगर इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं राइट इशू पर अप्लाई। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हालांकि मैंने राइट इशू के रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।